तो आज हमारे पास कपल हैं, इन्होंने हमें अंगेज किया है, तो इनकी क्वेरी लेंगे। इन्होंने भी अब्रॉड में फॉरेन कंट्री में जाना है, वहां पर हायर स्टडीज के लिए, और जो ऑप्शन विद स्पाउस मांग रहे हैं, और ये भी चाह रहे हैं कि जहां पर हमें पीआर मिल जाए। तो इनकी जो भी क्वेरी है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन, नमस्कार है। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। तो कहाँ से बोल रहे हैं सर अभी? सर मेरा नाम सूरज है और इनका नाम प्रज्ञा है, ठीक है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। हमारा अभी अभी एंगेजमेंट हुआ है ठीक है ठीक और मैरिज रजिस्ट्रेशन भी हो गया है हमारा, तो वी आर लीगली मैरिड। ओके। तो आई एम जस्ट आस्किंग, और हम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सी स्टेट से, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ हम अभी गोवा से बोल रहे हैं। ठीक है, गोवा से बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया? सर हमने आपको YouTube पे देखा था, आपके बहुत सारे वीडियोस हम देखते रहते हैं, ठीक है, सक्सेस आपके स्टोरीज, हम सक्सेस बिग स्टोरीज फैन है। और बिग फैन है अच्छा, आपके। जी, नहीं कब से तो फॉलो, वी हैव बीन फॉलोइंग योर, नहीं कब से फॉलो कर रहे हैं हमें? ये ऑलमोस्ट अभी 6 महीने के ऊपर हो गया है सर। हम आपको लास्ट ईयर 2023 से दिसंबर से फॉलो कर रहे हैं। ठीक। तो अगर फॉलो कर रहे हैं तो कल मैंने कोई वीडियो डाली थी, बताइए कौन सी वीडियो डाली थी कल? सर कल आपने पीआर की शायद वीडियो डाली थी, कौन मैंने सी? देखी है। पीआर फिनलैंड के लिए। हाँ नहीं, तो कल वाली वीडियो जरूर देखें। फॉरेन कंट्री में जाने से पहले मैंने उस वीडियो के अंदर ट्रुथ बताया है फॉरेन कंट्री का, जैसे जी आप हाँ सर, सर मैंने देखा था, क्योंकि वो बच्चों को वहां पर भेजते हैं लेकिन कोई प्रिपरेशन नहीं होता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा एक बार पहुंच गया बाहर कि उनका हो गया, तो हाँ नहीं, मतलब कुछ प्रिपेयर नहीं मैं करते वो करेक्ट। वीडियो जरूर वॉच करें बाहर के चक्करों में। जी जैसे आप भी डेस्परेट हैं कि हाँ बाहर जाना है, जी कब जी के साथ जाना है, बाहर जाना इजी है मैं फिर बता दूं, लेकिन वहां पे सर्वाइव करेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है, वो बहुत चैलेंज है। कि हम आपकी क्वेरी के करेक्ट ऊपर आएंगे और वन बाय वन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जी सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़ा प्रेज किया है कि आप वीडियोस काफी समय से देख रहे हैं, और वीडियोस भी हम कोशिश होती है कि बढ़िया डालें, और ऑलवेज ये कोशिश रहती है कि पब्लिक को अवेयर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्ट बताएं फॉरेन कंट्रीज के। तो मैं भी आपसे दो चार और चीजें पूछूंगा, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस लूंगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो ऐसा है, प्रीवियसली आप कहीं से रिफ्यूज हैं, कहीं पर आपके साथ कोई स्कैम हुआ हो फॉरेन के नाम पर? मेरे साथ हुआ है सर, इनके साथ नहीं है, इनका फर्स्ट टाइम है। मैं अभी तो मैंने आपके साथ पहले अभी स्टार्ट किया है। इससे पहले मेरे साथ सर 2 बार स्कैम हो चुका है, ठीक है जो जो मैं अप्लाई करना चाहता था यूके के लिए। मैंने अभी मेरा इंटर्नशिप यूके में किया है ऑलरेडी, ठीक है 2012 में, थर्टीन ठीक है फोर्टीन ठीक में। और उससे पहले वो मेरे पास 2 बार स्कैम हुआ था, है और ठीक एक बार कनाडा के लिए और एक बार यूके के लिए। है ठीक ठीक, तो हाँ है। तो यूके में आप जो गए थे इंटर्नशिप करने के लिए, कौन से वीजा पर गए थे 2012 में? ये टायर फाइव में गया था। ठीक है, कितने महीने के लिए गए थे वहां पर? ये 6 महीने का वीजा था, 6 मंथ्स। ठीक है। तो अभी जो आपने यूके का द्वारा स्कैम हुआ, कनाडा का स्कैम हुआ, उसके बाद हुआ था पहले हुआ था? उसके बाद सर मैं यूके जाकर आने के बाद, उसके बाद हुआ है, बिकॉज आई ट्राइड गोइंग अगेन, क्योंकि मुझे वापस आई वॉज थिंकिंग टू गो बैक फॉर द वर्क। और उसके बाद मेरे पास बहुत सारा स्कैम हुआ, बिकॉज आई ट्राइड, बिकॉज शायद यूके का जो स्पॉन्सरशिप वीजा है उसके यहाँ पर स्पेशली गोवा में और मैं नजदीकी स्टेट्स में, मुंबई में और पुणे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम लोग हैं जो सच बोलते हैं। ठीक है तो आई वॉज गॉट इन टू द ट्रैप अनलकीली अपेरेंटली, और मेरे ऑलमोस्ट शायद 4 से 5 लाख रुपए उसके पास चले गए। ओहो, तो यो कनाडा में डाला, तो वहां पे क्या देख रहे थे कनाडा में? कनाडा में पहले तो सर मेरा एज वहां पर नहीं हो रहा था, आई वो एम एक्चुअली मोर देन 30। तो उसके साथ वो उन्होंने पहले नहीं बताया था, तो उसके साथ मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पेपर ही नहीं डाला था। तो उसके बाद उन्होंने वो मेरे इवेंट चार्जेस ऑलरेडी ले लिए,
एक 1.5 लाख रुपए उन्होंने ऑलरेडी ले लिए उनसे, और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, ठीक है। और वो बात बोल रहे थे कि आपका नहीं होगा पॉइंट बेस्ड सिस्टम, ये वो, सो इट वॉज ऑल मेस्ड अप। एक 3 साल पहले, ये कोविड के बाद मैंने शुरू किया था 2020 में। मतलब ये देखिए कि डेस्परेट है, फॉरन जाना जरूर है, लेकिन सर्च नहीं करनी है। सर्च क्या है, क्रॉस चेक जरूर करें वेबसाइट के ऊपर, सामने वाला क्या कहता है, चाहे मैं कर रहा हूं तो एटलीस्ट चेक इट ऑन द गूगल और वेबसाइट। तो आपने देखिए विदाउट एनी रिजल्ट्स, एक को जूके के नाम पर 4-5 लाख रुपया दे दिया, तो एक को आपने 1.5 लाख रुपया, एक से 1.5 लाख रुपया दे दिया कैनेडा का। तो अभी हमारे पास हमें तो मिले नहीं, इनसे तो मिले भी होंगे सबसे। नो नो सर, नथिंग, उनसे कुछ नहीं है। नहीं, आप उनको तो फिजिकली मिले होंगे इन सबसे, फिजिकली इन जूके वाले। जी जी, मैं फिजिकली मिला था। हाँ तो सर, आप हमें तो फिजिकली मिले नहीं है, हमें भी पैसे उठाकर डाल दिए थे, ऐसे कैसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपका काम करवा देंगे? नहीं सर, 2000 अभी मैं तो 2016 से सर्च कर रहा था, लेकिन 2020 में जब कनाडा का स्कैम हुआ उसके बाद सर मैंने इतना एक्सटेंसिव रिसर्च करना शुरू कर दिया सब चीजों के ऊपर। अभी तो इतना रिसर्च है सर कि वीडियो देखने के बाद ही पता चलता है कि लाइक कौन सच बोल रहा है। तो मैं आपको आप कमिटमेंट जो करते हो कि ये कोई नहीं कर रहा है सर, जितना आप कमिटमेंट कर रहे हो वीडियो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, तो व्हाई नॉट ओपन द कंसल्टेंसी सर्विसेज इन गोवा। तो आप अपनी सर्विस कंसल्टेंसी की दुकान खोल लीजिए। माई प्रोफेशन एचआर ही है सर, करंट वर्किंग प्रोफेशनल, एचआर प्रोफेशनल ही है सर। अच्छा अच्छा, तो मैं वैसे सजेस्ट कर रहा था कि इतना एक्सपीरियंस आ चुका है तो हमारी इंडस्ट्री में 70-80% लोग कौन हैं जो फॉरेन में पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने के बाद इंडिया में आके अपना ये धंधा स्टार्ट कर लेते हैं, या वो लोग हैं जो आप जैसे इफेक्टेड हैं, जिन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे स्कैम्स के थ्रू लोगों ने किया है, वो लोग अपना ऐसे धंधा स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आके, जिनकी भी आप, मैं 70-80% लोग ऐसे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। चलो, आपने ये सारा फैक्ट बताया, तो पैसे मुझे भी डाल दिए। हम तो, मैं इस वीडियो में भी बताता हूँ, आपको भी बताता हूँ, एटलीस्ट सर्च जरूर करें। मैं बार बार इस चीज को हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चे को कहता हूं कि बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट, आइदर आपको किसी ने रेफरेंस दिया है, आइदर आपने उसको यूट्यूब पे देखा है, आइदर कहीं से भी आपने उसको फाइंड आउट किया है, एटलीस्ट उस पर्सन की क्रेडेंशियल चेक करें, उसका नॉलेज चेक करें, और उन चीजों को आप क्रॉस चेक वेबसाइट्स पर, रिस्पेक्टिव एम्बेसीज की वेबसाइट पर चेक करें कि क्या वहां पर जाने का यही सिस्टम है। तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, आपका इंपोर्टेंट टाइम बच सकता है, जैसे आपने ये लाखों रुपए वेस्ट किए हैं। तो हम भी काम करते हैं, लेकिन मुझे 16 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, 16-17 साल हो चुके हैं आज तक। हमारा रिकॉर्ड है, इतने पैसे कभी भी किसी पर्सन से नहीं लिए होंगे हमने बिफोर द वर्क, काम करने से पहले कभी भी नहीं मांगे होंगे इतने। हम इसमें भी ओपनली बताते हैं कि हमारी फीस 15,000 रुपया है, 15,000 से 20,000 लेते हैं एडवांस में, अगर स्पाउस के साथ जाना है, और उसके बाद एडमिशन आने के बाद 15,000, बाकी सारी फीस जब बच्चे का वीजा ग्रांट होता है, देयर आफ्टर वी आर टेकिंग इट। तो ये चीजें अवेयर होना बहुत जरूरी है पब्लिक को, कि विदाउट गिविंग द रिजल्ट कितनी अमाउंट्स लोगों को दे देते हैं विदाउट गिविंग द रिजल्ट। चलो, अभी हम आपकी प्रोफाइल आते हैं, आपकी प्रोफाइल मेरे पास आ चुकी है सर, प्रोफाइल में जो टॉपिक्स है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए कि मैंने आपकी प्रोफाइल को एनालाइज कर लिया है, करने के बाद जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे कि आपका केस फिनलैंड में चांसेस हैं, फिनलैंड में बहुत से आप डेस्परेट हैं, तो पीजी डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। आपने भी लिखा है कि मैंने ए टाइप रेजिडेंसी में ही जाना है, मैंने आपकी ये रिमार्क्स में पढ़ लिया है, पीजी डिप्लोमा का एडमिशन आएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, और बैचलर के लिए भी आपका केस हम डालेंगे, एज वेल एज बैचलर में ही डलेगा, मास्टर में चांसेस तो है ही नहीं है, और बैचलर में भी आने के चांसेस हैं, एडमिशन आपका आ जाएगा। अगर एडमिशन आ जाता है तो वीजा में कोई नहीं है फिनलैंड में, आप डिपेंडेंट बच्चों, डिपेंडेंट आपकी जो स्पाउस है उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि मेन फंड्स, यहाँ पर फंड्स दिखाने पड़ते हैं अपने अकाउंट में इंडिया में, जब हमने फिनलैंड का वीजा अप्लाई करना होता है, तो जो फंड्स की रिक्वायरमेंट, अगर आप 6 मंथ की फीस भेजते हो, मतलब 4.5 लाख रुपया, तो आपको यहाँ पर अप्रोक्स 16 लाख रुपया दिखाना पड़ेगा,
16 17 लाख रुपया, और साथ में सोर्स बताना पड़ेगा ये फंड्स कहां से जनरेट किए हैं। ठीक है, तो अभी ये मैंने थोड़ा नटशेल बता दिया। अभी आप अपनी, मैं आपकी स्पाउस की भी एजुकेशन पूछूंगा। मैडम आपकी एजुकेशन क्या है, थोड़ा बताएंगे? एजुकेशन सर मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। बीटेक कौन सी स्ट्रीम से हैं आप? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर। तो आपका कितना जीपीए है? परसेंटेज ना सर? हाँ अराउंड 50 आ रहा है सर। तो आपका कोई प्रीवियसली रिफ्यूज समवेयर सर? आपका कभी किसी कंट्री का वीजा रिफ्यूज हुआ है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है। आपके ट्वेल्थ में कितने परसेंट है? ट्वेल्थ में 35। कितने? अराउंड 55 सर। 55। तो ये प्रोफाइल सर आपकी है या मैडम की है जो आपने भेजी है? मैडम की प्रोफाइल है। अच्छा, मैडम की है सर। सॉरी हाँ, मेरे पास है। तो भाई साहब मैं आपकी प्रोफाइल पूछूंगा। सॉरी, मैंने ये आपकी प्रोफाइल, भाई साहब आप मुझे बताएंगे आपकी प्रोफाइल क्या है? इनकी प्रोफाइल तो है मैडम की मेरे पास। हाँ, मेरी प्रोफाइल सर, मैंने MBA किया है इन होटल मैनेजमेंट एंड आई एम स्पेशलाइजेशन इन टू HR फील्ड बेसिकली। ठीक है, और मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है इन ह्यूमन रिसोर्स इन रिक्रूटमेंट। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी बैचलर किसमें है? मेरी बैचलर्स है बीकॉम में सर, कॉमर्स। तो उसमें कितने परसेंटेज हैं? उसमें मेरे होंगे 52%। तो 12th में? 12th में भी है सर मेरे 55%। तो 12th भी आपकी उस कॉमर्स से है या PCM से है? कॉमर्स में ही है। कॉमर्स में है सर। ठीक, तो आप दोनों का बोर्ड स्टेट बोर्ड है या CBSE है? मेरा स्टेट बोर्ड है, गोवा स्टेट बोर्ड। तो और इनका भी गोवा बोर्ड है। ठीक है, तो गोवा बोर्ड। तो मैं देख लिया, तो आपका CBSE 10th है और 12th गोवा स्टेट बोर्ड है। सर आपने कभी IELTS PT किया है? जी सर, मैंने 2 बार IELTS किया था पहले। उसका मैं दोनों बार मेरा स्कोर 6.5 था। तो लास्ट टाइम कब किया आपने? लास्ट टाइम तो मैंने 2017 में किया था, 2017 में। जनरल में किया था, एकेडमिक में किया था? जनरल में किया था सर। ठीक है, तो ऐसा है कि मैं दोनों की प्रोफाइल को एज ए स्टूडेंट प्रोसीड भी कर सकता हूँ विद ओल्ड IELTS आपका भाई साहब। तो अभी ये हमारे लिए और ऑप्शंस खुल जाएंगे, मतलब आपकी वाइफ को भी हम एप्लीकेंट बनाएंगे, आपको भी एप्लीकेंट बनाएंगे, जिसमें से किसी का भी अगर एडमिशन हमारे पास आ जाता है तो वो मेन एप्लीकेंट बन जाएगा, तो साथ वाला डिपेंडेंट हो जाएगा। ताकि मैं आपके लिए मैक्सिमम ऑप्शंस लेकर चलूं जैसी आपकी, क्योंकि इट इज वेरी चैलेंज फॉर अस आल्सो। उसमें चैलेंज क्या है, एक तो जेन इनटेक है, जेन इनटेक में लिमिटेड सीट्स रहती है। जेन इनटेक में लिमिटेड सीट्स रहती हैं, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं, लेकिन इस अगस्त का जो इनटेक है वो मेजर इनटेक है, उसमें सारा कुछ मिलता है। तो दैट रीजन मैं आप दोनों की प्रोफाइल एज ए स्टूडेंट प्रोसीड करूंगा। तो आपके आपके ओल्ड IELTS के साथ इनका जो अभी शेप बैंड है इसके साथ डालेंगे। जिसका एडमिशन सिक्योर होगा तो उसको हम मेन एप्लीकेंट बना लेंगे, साथ में डिपेंडेंट कर लेंगे। बटन सर, हम लोग सोच रहे थे कि बिकॉज इफ शी कैन वर्क, इफ शी कैन स्टडी देन आई कैन वर्क, बिकॉज मेरे पास तो वर्क परमिट रहेगा। हाँ ठीक है, लेकिन हम एप्लीकेशन को प्रोसीड करें पहले, अभी देखिए कि एडमिशन करें। अगर आपका एडमिशन आ भी जाता है तो आपके ऊपर है, जाना है या नहीं जाना। आई विल नॉट कंपेल यू कि प्लीज ट्रांसफर द फीस, प्लीज ट्रांसफर द फीस। अगर इनका एडमिशन नहीं है, हम तो अपनी सेफ्टी के लिए ले रहे हैं। आपको लगता है कि मैंने नहीं जाना है, आप ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करने के बाद आप अगस्त इनटेक में फिर दोबारा डाल सकते हैं, आपको मैडम का हमने डालना है, तो देन वी कैन अगेन प्रोसीड द एप्लीकेशन इन अगस्त इनटेक। ऐसा लेकर चलेंगे तो तब ही आपको कोई वे मिल पाएगा, अदरवाइज इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस। ओके ठीक है, ओके ठीक है सर, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बेसिकली हमारा पूछने का यही था सर, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर PR ऑल्सो। ओके, और
That is why we wanted to go in the A permit, क्योंकि जिससे हमने वीडियो देखा था कि शायद वो PR में A permit का ही जो टाइम है जो काउंट होता है. तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपकी दोनों की अर्निंग कितनी है इंडिया में पर मंथ, दोनों की पर मंथ, दोनों की मिला के सर और इंडिविजुअल, दोनों की मिला के, दोनों की मिला के 60,000 होता है मंथली दोनों का. तो ठीक ठीक है फिर, लेकिन कल वाली वीडियो जरूर वॉच कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ. हाँ जी सर जी, ऐसा नहीं है एक्चुअली सर, हमने वो सब हाँ जी तो देखिए दूसरा रहा, आप पीआर मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए इजीली, ये देखिए इसके लिए सारे एफर्ट्स आपको खुद करने पड़ेंगे. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, हम आपका एडमिशन करवाकर वीजा करवाकर वहां पर सक्सेसफुली पहुंचाने तक की, उसके बाद जो भी स्ट्रगल है, जो भी वहां की पॉलिसीज है, यू नीड टू फॉलो एट योर ओन, देयर आफ्टर आई कुड नॉट हेल्प फॉर एनीथिंग सर. क्योंकि आप प्रैक्टिकली यूके ऑलरेडी जा चुके हैं, आपको सारी सिचुएशंस के बारे में मालूम है. ठीक है, कल आपके पेरेंट्स ने वहां जाना हो, आपके सिबलिंग्स ने आपको मिलने के लिए जाना, तो उनकी वी विल डेफिनेटली हेल्प टू गो देयर. बाकी अभी मैं आपको मोटिवेशन देकर भेजूं सर. मैं वहां पर आपको पिकअप के लिए मेरा लड़का आएगा, आपको अच्छा अपार्टमेंट मिलेगा, जाते जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है. और साथ में प्लानिंग तब बनाए अगर आपके पास पूरे पैसे हो. पैसे मींस क्या है कि आपको ये मालूम हो कि मैं वहां पर 2 साल की जो ट्यूशन फीस है उसके जितने मेरे पास पैसे हैं सबसे पहले. करेक्ट, ठीक है, करेक्ट. जो दूसरा आपको ये हो कि मैं 6 मंथ का खाने पीने के मेरे पास बंदोबस्त हो. करेक्ट, ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद फिर आप हौली हौली मैनेज कर लेंगे. सर ये जो और एक बात पूछना था, जो ए परमिट जो होगा So, उसके लिए फंड मेंटेन करना जरूरी है कि वो बाय डिफॉल्ट होता है ऐसा, क्योंकि फंड जो हमने जो अभी 16-17 अप्रोक्सीमेट जो 20 लाख जो हमने मेंटेन करने हैं अकाउंट में. ओके सो ये 20 लाख करेंगे और उसके बाद जो 1 साल का फीस, जो मैंने आपका एक वीडियो देखा था उसमें आपने बताया था कि 6 मंथ की फीस के ऊपर डिपेंड मत रहिए, कि 1 साल को मिनिमम उनका फीस ट्यूशन फीस जो पेमेंट करना है. सो ये जो ए परमिट है तो ये इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है, राइट सर? नहीं नहीं ऐसा, तो उसकी भी कुछ अलग क्राइटेरिया है? कोई क्राइटेरिया अलग नहीं, कोई कुछ नहीं है, जनरल थंबनेल रूल है इसके. आपके फंड पड़े हुए हैं, आपने जब आपने वीजा अप्लाई कर दिया फंड, वो हमने चेक कर लेने फंड कैसे हैं, अगर उसमें कुछ कमी होंगी तो मैं आपको बताऊंगा ये कमी है. और आपने फंड्स डालने से पहले अपने अकाउंट में कहां से लेने हैं हमसे डिस्कशन करनी है. विदाउट अवर कंसल्टेंसी डू नॉट पुट द फंड अकाउंट, हम बताएंगे आपको. इस वे से आपने दिखाने हैं फंड, ऐसा नहीं है हपड़ा दपड़ा. तो बाकी रह गया ए टाइप रेजिडेंसी मिलती है, उसके लिए कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसके लिए डिफरेंट रूल है, इसके लिए डिफरेंट रूल है. फंड्स हैं, फंड्स के बाद वो इमीडिएटली आपको ड्यूरेशन ऑफ द जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग आपको रेजिडेंसी एलोकेट करते हैं. अगर मास्टर के लिए जा रहे हैं तो 2 साल की मिलेगी स्टूडेंट को, अगर स्टूडेंट बैचलर के लिए जा रहा है उसकी 4 साल की है तो 4 साल की मिलेगी, अगर 3 साल की बैचलर 3 साल की मिलेगी, जो साथ में डिपेंडेंट जाता है उसको बाई डिफॉल्ट 1 ईयर की मिलती है. ओके वो वहां पे ऑटोमेटिक रिन्यू होगी वहां जाने के बाद. अगर स्टूडेंट वहां पर एक्टिव है, मीन स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहा है और साथ में अपनी ट्यूशन फीसेस दे रहा है यूनिवर्सिटी को, उसी का ही रिकॉर्ड, उसी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपकी हर ईयर वो रेन्यूअल हो जाएगी. और सर हम और एक हम जो रिसर्च कर रहे थे यूनिवर्सिटीज के ऊपर, तो उन्हें शी वांट्स टू गो इनटू द इलेक्ट्रॉनिक जो सेम फील्ड है इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स, तो आपके अकॉर्डिंग आपकी क्या सजेशन होगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप सजेस्ट कर सकते हो कि विल बी बेटर फॉर दैट कोर्स? पहले तो मैं ये बता दूं, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं मिल पाएगी. पहले तो कोई लोकेशन स्पेसिफिक नहीं मिल पाएगी, कोई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नहीं मिल पाएगी. प्रोग्राम के ऊपर आते हैं, प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे आईटी से रिलेटेड ही नहीं. प्रोग्राम आईटी से रिलेटेड है. ओके सर, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम. और मुझे एक्चुअली सर हम लोग आके अब तो पर्सनली मिलना चाहते थे बिकॉज वी वांटेड टू सी, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया. मेरी बात सुनिए, आपके पास मुझे मालूम है बहुत सारा पैसा है, आप 15-20 हजार की टिकट लगाकर आएंगे जहाँ पे. अगर बहुत सारा पैसा है तो मुझे ऐसे ही ट्रांसफर कर दीजिए, हम मिल तो रहे हैं.
जी जी वो हमें पहले पता नहीं था कि ऑनलाइन हो सकता है, मिलने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार क्लाइंट को कहता हूँ डू नॉट वेस्ट द टाइम, आप अपने काम पर कंसंट्रेट करें, जो है आपने हमें केस दे दिया है तो हम उसका कोई ना कोई रिजल्ट आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। डेफिनेटली सर, सो दैट इज व्हाट वी थिंक इज कि आप हमारा करवा दो, सो वी कैन एटलीस्ट। हमने ऑलरेडी आपका केस ऑलरेडी प्रोसेस में डाल दिया है, आई थिंक सो आपको पर्सन भी एलोकेट कर दिया होगा कि जो आपके केस को लुक आफ्टर करेगा। कोई मालूम है कौन लुक आफ्टर कर रहा है आपके केस को? मैं अभी रवनीत से ही बात हो रहा है सर मेरा। आपका केस जो देख रहा है आइदर कुमार देख रही है या भारती देख रही है, वो भी मैं अभी बता देता हूँ। ही इज द मेन पर्सन है जो आपके केस को फिनलैंड को देखेगा, उसने मेरे ख्याल से अप्लाई करना स्टार्ट कर भी दिया होगा। ओके ओके ठीक है सर। ये सर जो एप्लीकेशन होगा यूनिवर्सिटीज का, सर वो कितने यूनिवर्सिटीज में जाएगा? मैक्सिमम में जितनी खुली होंगी, जहां पे प्रोग्राम की अवेलेबिलिटी होगी वी विल पुट द एप्लीकेशन रवनीत। ओके जी। और इनकेस अगर जैन बाय डिफॉल्ट कुछ से जैन इनटेक में नहीं हो रहा है, सो देन इट रीओपन्स इन द ऑगस्ट यू सेड राइट? उसमें आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोसेस रहेगा जब तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस ये है कि डिले हो सकता है। जी सर, डिले का कोई इशू नहीं है सर, बट देन पेशेंट करें, डेफिनेटली हो जाएगा सर। यस सर, दैट सर, वी आर लिटरली ओपन फॉर एनीथिंग। हमारे हिसाब से हमारे साइड से जो भी कोऑर्डिनेशन चाहिए आप हमें गाइड कीजिए, सो वी कैन यू नो जस्ट डू दैट। डू नॉट वरी, वी विल डू अवर बेस्ट कि आपको डेफिनेटली वहां पर भेजेंगे और अच्छे प्रोग्राम में भेजेंगे। कुमार देख रहा है, कुमार का नंबर भी शेयर कर देंगी मैडम, आप उनसे भी व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। बोलिए जी सर। ठीक है, तो अभी आप अप्लाई करेंगे ना? अप्लाई चालू हो गया है आपने हमारे, तो सितंबर तक कब तक मतलब आप इंटीमेट करेंगे कि चार इसमें हो गया है? बहुत अच्छा है, जहां जहां अप्लाई किया है वहां पर आपको कुमार बताता रहेगा, आप 5 दिन में 10 दिन में 15 दिन में 20 दिन के अंदर। और जहां से कोई रिजेक्शन आती है, जहां जहां से सिलेक्शन आती है, वो अक्टूबर से पहले पहले सारा कुछ आ जाएगा रिजल्ट, वो भी आपको अपडेट करेंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, आप दोनों से, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आपको ये रिसर्च पहले करनी चाहिए थी। अगर ये रिसर्च पहले करते तो आप में भी वहां जाकर अभी पीआर या सिटीजनशिप होते उस कंट्री के, अगर आपने ये रिसर्च पहले की। एनी हो, मैं सब बच्चों से पेरेंट्स को यही कहूंगा कि रिसर्च जरूर करें, एफर्ट जरूर करें। ऐसा नहीं है कि वो एजेंट्स लोगों को बाहर भेजता है कि उठाकर पैसा दे दें और बाद में इस टाइप के स्कैम हो जाए। तो ठीक है सर, फिर इसको क्लोज कर। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।